साहब की गर्मामयी उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बता। यह तन विष की बेल है गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भाइयों और बहनों, ये गुरुओं की भूमि है और गुरु की महिमा अपरंपार है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सारी धरती को अगर कागज बनाए, सारे जंगल की लकड़ी की कलम बनाए और सारे समुद्र के जल की अगर हम स्याही बनाए और फिर भी अगर गुरु के बारे में लिखना चाहें तो सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। आइए इसे गुरु की वंदना। सब धरती कागज करूं कर्म करूं बनराय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। बंधुओं, हमारा भारतवर्ष गुरुओं का देश है। यहाँ पर गुरु परंपरा के एक से एक बड़े गीत गाए जाते हैं। वर्तमान समय में हमारे देशवासियों की गुरु के प्रति श्रद्धा कम नहीं है, लेकिन आज गुरु परंपरा भी चमत्कारों के मोहजाल में फंसी हुई थी। ऐसे समय में वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखलाया, क्योंकि ये छोटी मोटी सिद्धियां तो कोई भी प्रदर्शित कर सकता है। कोई भी अपने बालों से बालू रेत निकाल करके बतला सकता है, कोई भी हाथ की सफाई करके एक हाथ में 1000 का नोट, एक हाथ में 500 का नोट आपके सामने प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन जब व्यक्तिगत सिद्धि स्वार्थ में न लगकर परमार्थ में लग जाती है तो बंधुओं वह सिद्धि युग निर्माण योजना बन जाती है। विचार क्रांति अभियान के रूप में हर व्यक्ति के दिल में हलचल पैदा करती है और व्यक्ति को बदलने के लिए मजबूर करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 महाप्रश्न किए और उसके पश्चात उन्होंने जो भी सिद्धियां पाई गायत्री की वो करोड़ों व्यक्तियों तक मारते हुए चले गए। एक सादे खादी का कुर्ता खादी की धोती में रहे और ये देखते रहे कि मैं 10,000 हीरकों का हार कैसे पहनूं। एक विज्ञप्ति निकली उन्हीं दिनों में जब परम पूज्य गुरुदेव को व्यक्तित्वों की आवश्यकता थी कि जिस देश में इंजीनियर डॉक्टर वकील प्रोफेसर की डिग्री लेकर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं,
उस देश में भगवान के कार्य के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, भगवान के काम के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। एक युवा ने यह पुकार सुनी और वो युवा भी कोई साधारण नहीं, अपने आप में MBBS पास, MD गोल्ड मेडल जिन्होंने प्राप्त किया हो, ऐसे युवा के मन में एक हलचल उठी, परम पूज्य गुरुदेव पुकार रहे हैं और मैं केवल लोभ मोह के बंधनों में बंधा रहूं, एक डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा रहूं, तो ये मेरी आत्मा को गंवारा नहीं करता। और बंधुओं, उस युवक ने पूज्य गुरुदेव के सामने, उन दिनों जब आदमी भौतिकता की चकाचौंध में डूबा हुआ था, जब व्यक्ति देश का आदमी पलायनवादी बन रहा था और विदेशों में जाकर नौकरी ढूंढ रहा था, वहाँ से उस युवा को इस प्रकार का बुलाना भी आया कि एक उच्च पद पर, एक वैज्ञानिक पद पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के हृदय की पीड़ा और दर्द को देखकर उस युवा का हृदय मचल उठा कि मैं देश, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित होऊंगा। और धर्म जो आज चमत्कारों और सिद्धियों से भरा हुआ है, धर्म को किस प्रकार से आज वैज्ञानिक आधार पर लोगों के सामने पुष्ट किया जाए, उन्होंने बीड़ा उठाया। और यही युवा हमारे सामने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के रूप में आज विश्व प्रसिद्ध हैं। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम आपके द्वारा होता है कि जो भी इनके नज़दीक रहने वाले हम लोग हैं, हम तो आश्चर्य करते हैं कि कब सोते हैं, कब जागते हैं। आज यहाँ पर हैं पंजाब में, कल बिहार में थे, परसों गुजरात में हैं, अभी छत्तीसगढ़ में हैं, और उसके अलावा अखंड ज्योति का भी संपादन करना है, उसके अलावा शांतिगुंज की व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाना है, उसके साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो आज युवा शक्ति का खजाना बना हुआ है, और उसके माध्यम से योग, आहार, विहार, सांस्कृतिक चेतना का जो परम प्रकाश सारी दुनिया में फैल रहा है, उसका भी सुसंचालन करना है। कब कितनी मेहनत करते हैं। जब ये परम पूज्य गुरुदेव के पास गए तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने अखंड दीप तो जलाया है, लेकिन अब तुम दीपक से जलते जाओ, मैं तुमको भी दीपक जैसा प्रज्वलित देखना चाहता हूँ। इस दीपक को तेल पानी तो शांति कुंज से श्रद्धा दीदी के द्वारा मिल रहा है, लेकिन इस दीपक की ज्योति जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे जन जन में कैसे पहुँचे, उन्होंने इस युवा संत को ये जिम्मेदारी सौंपी। और बंधुओं, वह ज्योति अखंड ज्योति के रूप में सारी दुनिया में उसी धार पर, उसी पहने विचारों पर, उसी चेतना पर आज जन जन को एक सही मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। ऐसे अखंड ज्योति के संपादक, ऐसे हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, ऐसे हम सबके परम मार्गदर्शक और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब हम लोगों के बीच में विराजमान हैं, और उनको जो प्रेरणा मिली है कि तुम दीपक से जलते जाओ, आए देखें कि इस गीत की पंक्तियाँ किस प्रकार से उनके हृदय में हलचल मचा रही हैं। आपके सामने ये दीप गीत प्रस्तुत हो रहा है। हम सब बुझे हुए दीपक जैसे न रहें, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, इसलिए आइए हम इस गीत को भाव और हृदय से सुने। भारतीय संस्कृति की भाइयों और बहनों, ये जो भूमि है पंजाब की, भूमि पर दो पंक्ति हैं कि संत और सुरमाओं की ये भूमि, ये शेरे पंजाब है। संत और सुरमाओं की भूमि, ये शेरे पंजाब है, जो दुश्मनों को मुंह तोड़कर जो देते जवाब हैं। गायत्री परिवार के आप सब खिलते हुए गुलाब हैं, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब गुरुदेव की चलती फिरती एक किताब है। गुरुदेव का परिचय इनके हर कण कण में, हर रोम में, इनके लेखनी में, इनका जो संदेश, अभी जो दीपक हमको जो कहेंगे, वो दीपक हमको क्या कहता है सुनिए। जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो दीपक जलाया, जो अखंड दीप आप भी जल रहा है, और श्रद्धेय जी अपनी तप की साधना से जिसके अंदर ऊर्जा का संचार करती है,
और गुरुदेव द्वारा चलाई गई वो जलाई गई वो अखंड ज्योति को निरंतर प्रवाहित करने वाले हमारे बीच में बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि ये दीपक हमको चुपके से कुछ कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है दीपक, कि गिरे हुए को एक बार उठाकर देखो। ये दीपक ने कहा, गिरे हुए को एक बार उठाकर देखो, भटके को सही राह पर लाकर देखो, गली और चौराहों को तो बहुत रोशन किया हमने, आओ चलें किसी अंधेरी बस्ती में एक दिया जलाकर देखो। और ऐसा दिया आज लाखों युवाओं के दिल में जिन्होंने जलाया है, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जो दीपक का संदेश देंगे, चाहे जितने तूफान आंधियां आती रहे लेकिन कभी डरना मत, कभी भयभीत मत होना, हमारे साथ वह चेतना शक्ति हमारे साथ है। जब जब सौ सौ बाह पसारे, जब जब सौ सौ बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। जब जब सौ सौ बाह पसारे, ओ जब जब सौ सौ बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। तूफानों को आखिर एक दिन मिट जाना ही होगा, बढ़े प्रलय तो उसे सहम कर आखिर रुक जाना ही होगा। उठते तूफानों को आखिर एक दिन मिट जाना ही होगा, बढ़े प्रलय तो उसे सहम कर आखिर रुक जाना ही होगा। मंजिल दूर भले हो लेकिन उर्मे दृढ़ विश्वास यही है, दुखी जगत के इस आंगन में सुख को फिर आना ही होगा। मंजिल दूर भले हो लेकिन पुर में दृढ़ विश्वास यही है, दुखी जगत के इस आंगन में सुख को फिर आना ही होगा। पग पग से तुम डगर नापते, पग पग से तुम डगर नापते, अंगारों पर चलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। ज्योति तुम्हारे बिखरे जो भूतल से अंबर तक छा जाए, और उसी शक्ति मानवता फिर हंसकर मंगल मोद मनाए। ज्योति तुम्हारी बिखरे जो भूतल से अंबर तक छा जाए, और उसी शक्ति मानवता फिर हंसकर मंगल मोद मनाए। पाने को यह लक्ष्य तुम्हें नित तिल तिल करके जलना होगा, हो सकता है क्रूर काल यह तुमको ठोकर देता जाए। पाने को यह लक्ष्य तुम्हें तिल तिल करके जलना होगा, हो सकता है क्रूर काल यह तुमको ठोकर देता जाए। तुम गिर कर भी फिर उठ उठ कर, तुम गिर कर भी फिर उठ उठ कर, सतत लक्ष्य तक बढ़ते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। जग में जीते वही परिस्थितियों से जो टकराया करते, चट्टानों को तोड़ स्वयं ही
अपना मार्ग बनाया करते। जग में जीते वही परिस्थितियों से जो टकराया करते। चट्टानों को तोड़ स्वयं ही अपना मार्ग बनाया करते। फूलों की ही सुगंध तो छाई है सारे उपवन में। जो कांटों से बिंधते लेकिन मलानन हो मुस्काया करते। उन फूलों की ही सुगंध तो छाई है सारे उपवन में। जो कांटों से बिंधते लेकिन मलानन हो मुस्काया करते। सौरभ बरसाना चाहो तो, सौरभ बरसाना चाहो तो कांटों में भी पलते जाओ। तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। जब जब सौ सौ बाह पसारे हो, जब जब सौ सौ बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में। तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। बोलिए भारत पति महाकाल की जय। सभी भाइयों बहनों से प्रार्थना, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, और प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जब बुद्धि सही दिशा में चलेगी तो सबकी गति भी सही दिशा में होगी। सन्मति से सदगति, दुर्मति से दुर्गति। ये गायत्री मंत्र का जो मूल भाव है वो है गायत्री का भर्ग पाप नाशक तेज, और गायत्री का देवत्व का जो संदेश है वो हम अपने अंदर धारण करें। वर्णन करने योग्य जो तेज है उसको हम अपने अंदर धारण करें, तेजस्वी बने। जो तेजस्वी बनता है वो चमकता है, लाखों की भीड़ में चमकता है, और वो तेजस्वी बनने का भाव गायत्री मंत्र में जुड़ा हुआ है। और जब ऐसा होगा तो हम सब एक साथ चल पड़ेंगे, उसके साथ हजारों आदमी चलेंगे। धियो यो न प्रचोदयात, धियो यो न प्रचोदयात। धिय यानि बुद्धि, यह यानि जो, न यानि हमारी, प्रचोदयात यानि जो हमारी बुद्धि को जबरदस्ती सही दिशा में ले जाता है। फोर्सिबली मोटिवेट्स अवर इंटेलेक्ट टू राइचियस पाथ, जो जबरदस्ती हमारी बुद्धि को सही मार्ग की ओर ले जाता है, ऐसा परमात्मा जो सूर्य के रूप में मौजूद है। गायत्री का मंत्र सविता देवता, गायत्री का देवता है, और गायत्री मंत्र जो है उसी की आराधना का मंत्र है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया, श्रद्धा प्रज्ञायुताच। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय देव देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, मंडी गोविंदगढ़ जैसे एक ऐसे स्थान जहाँ से उत्तर भारत को सारी औद्योगिक ऊर्जा मिलती है, ऐसे स्थान पर बैठे हुए हमारी गायत्री योग समिति के सब पदाधिकारीगण, हमारे बीच में बैठे हुए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं जो दूर दूर से आए हैं, और हमारे पत्रकार भाइयों बहनों, माइयों,
आज सारी संसार में एक तरह से अनाचार छाया दिखाई देता है, दुराचार की घटनाएं रोज प्रकाश में आ रही हैं। हमारे पास पुलिस ख़त्म हो गई है, पुलिस नहीं है, सेना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली अत्याचार बढ़ गया है। आदमी की बुद्धि गड़बड़ा गई है, आदमी की बुद्धि में जब भी गड़बड़ी आएगी तो वो गलत काम करेगा, और गलत काम ऐसे करेगा जो मासूम के ऊपर होंगे, दरिंदगी के काम होने लगेंगे। तो ये जो आज जो एक माहौल बन गया है, जिस माहौल में चारों तरफ अत्याचार अनाचार दुराचार दिखाई पड़ता है, और उस माहौल में लगता है कि हम क्या करें। हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो, पर क्या करें। मित्रों, इसके बावजूद भी कि भगवान हैं, भगवान के शिष्य भक्त हैं, ढेर सारे महापुरुष हैं, ढेर सारे धर्म ध्वजा फहराने वाले लोग हैं, ढेर सारे गुरु लोग हैं, सदगुरु लोग हैं। हरिद्वार की हमारी नगरी में आ जाइए तो आपको ढेर सारे गुरु मिलेंगे, ढेर सारे आपको महामंडलेश्वर मिलेंगे। इतने सब होने के बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है, इतने सब क्यों हो रहे हैं? हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, IIT से निकले हुए, IIM से निकले हुए और विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन से निकले हुए ढेर सारे हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स हैं। इनकी स्थिति देखते हैं, इनका चिंतन देखते हैं, इनका सोच देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ये वास्तव में उतने ही पढ़े लिखे हैं जितना इनके बारे में बताया जाता है। मित्रों, मैं 37 साल से शांति कुंज में रहता हूँ, 1977 में मैं आ गया था, 37 साल मुझे वहीं पर हो गए। इस बीच न जाने कितने लोग मेरे सामने आए, न जाने कितने लोग मेरे सामने से चले गए, आए और कुछ रह गए, आए और कुछ मेरे हो गए, अपने हो गए, परम पूज्य गुरुदेव के हो गए, और आए और कुछ ने अपने अंदर की चिंगारी को जला के दिखा दिया। हर व्यक्ति के अंदर एक चिंगारी है, ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज़ टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और विदाउट आउट बाय वर्क वर्शिप और एनीथिंग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर आदमी के अंदर देवत्व की चिंगारी भरी पड़ी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको उभारता है, कैसे उसको निकालता है, कैसे उसको दिखाता है। ये चिंगारी जो है ये सबके अंदर है, और ये चिंगारी ही अंदर से मन्यु के रूप में निकलती है। मन्यु यानी अनीति के प्रति आक्रोश। एक महिला पिट रही है घर में पति से, रोज पिट रही है, शराब नहीं मिलती उसको, शराब छुपा देती है पत्नी, तो लाचारी में उसको पिटना पड़ता है। पर वो क्या करे, वो शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद वो राक्षस हो जाता है, और राक्षस होने के बाद वो होश देखता है ना, कुछ देखता है ना, बच्चे देखता है ना, पत्नी देखता है, मारने लगता है। ऐसे में अंदर से जो मन्यु उभर के आता है, वो जो मन्यु निकल के आता है, वो मन्यु उस पत्नी के अंदर से एक दुर्गा बन के निकल के आता है, और वो फिर उस पति को सबक सिखाती है। ऐसे न जाने कितनी सुबकती हुई, न जाने कितनी रोती हुई बहुएँ हैं, न जाने कितनी रोती हुई लड़कियां हैं, हमारी अपनी ही आपकी ही लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जो घरों में सिसक रही हैं, रो रही हैं, और उनको अपने पति से भी शिकायत है, अपनी सास से भी शिकायत है, और अपनी ननन से भी शिकायत है, सबसे शिकायत है। ऐसे हो सकता है कि मैं पक्षपात नहीं करूँगा, ऐसे हो सकता है ऐसे पति भी हों जो अपनी पत्नी से परेशान हो सकता है। सर्विस कर रही है और सर्विस करने के बाद पति माँ बाप का ध्यान नहीं रखती, पति का ध्यान नहीं रखती, बच्चों का ध्यान नहीं रखती, ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों घटनाएं घटती हैं। मित्रों, ये जो आज का आधुनिकतम जो वैश्वीकरण का युग है, आज से 15 साल पहले ही नहीं था। मैं आपको 95, 96, 97, 98, 99 में चलता हूँ, मैं 89, 90 से घूम रहा हूँ कंटिन्यूस, और मैं तब से घूमते घूमते पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। लगभग 80 देशों में घूमा हूँ, भारत के सारे प्रांतों में गया हूँ, सारे प्रांतों की न जाने कितने वैरायटी के लोगों के घरों में गया हूँ, और मैंने दुनिया देखी है। मैंने दुनिया देखी है तो मेरी दुनिया को मेरे माध्यम से, मेरी आँखों से आप दुनिया देख सकते हैं। तो ये जो भूमंडलीकरण हुआ है, जो हमारे देश को बना दिया गया है कि ये यहाँ कंज्यूमरिज्म होगा, उपभोक्तावादी मानसिकता होगी, ढेर सारे मॉल्स बन गए, ढेर सारे मल्टीप्लेक्सेस बन गए, ढेर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, ये सब तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मोदी जी का भी कंसेप्ट है कि स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, बने, कोई दिक्कत नहीं, बने,
पर वो स्मार्ट सिटी उनके लिए बने जो स्मार्ट व्यक्ति हों। ये जो चेहरे हैं इनके, इनके चेहरे बुझे बुझे से लगते हैं मुझे। इनके अंदर की चिंगारी समाप्त हो गई है। इनके अंदर की चिंगारी अगर होती तो ये कुछ करके दिखाते, कुछ ऊँचा करके दिखाते, कुछ श्रेष्ठ करने का मन में भाव होता। पर न जाने क्यों मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि हर छात्र निराश, हर छात्रा निराश, लगभग लगभग 80% युवा निराश नज़र आता है। मेरा उद्देश्य इन्हीं युवाओं को जागृत करना है, इन्हीं युवाओं के अंदर चिंगारी पैदा करना है, इन्हीं युवाओं के अंदर दीपक जलाना है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इनके अंदर अगर आग लगा सकूं, तो आग लगाने के बाद ये उठ करके खड़े होकर के भविष्य का भारत बनाएं। भविष्य का भारत ये अगर बनाने की स्थिति में हो गए तो मेरा कठोर परिश्रम जो मैं करता हूँ, जो मैं मेहनत करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ, वो सारा का सारा सार्थक हो जाएगा। मेरे जैसे कई लोग चाहिए इस देश को, कई लोग चाहिए जो लोगों को जगा सके। एक छोटी सी पंक्ति है जो कठोपनिषद से ली गई है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उठो जागो और रुको मत, चलो। आदमी उठता तो है पर जागता नहीं है, जागता है तो चलता नहीं है, रुक जाता है, और चलता है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, उसके पहले ही रुक जाता है। आपका लक्ष्य है अपना निर्माण, आपका लक्ष्य है अपने आप को बनाना। आपने डिग्री पाने के लिए नहीं किया था काम, या आपने बिजनेसमैन बनने के लिए काम नहीं किया था, आपने एक अच्छा आदमी बनने के लिए काम किया था, अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाई की थी, एक अच्छा आदमी बनने के लिए आपने अपने आप को तपाया था। आप अपने बचपन को याद करिए, बचपन से लेकर अब तक जो जीवन है हमारा वो कैसा रहा, और आज हम क्या कर पा रहे हैं, क्या हम वैसा कर पा रहे हैं जैसा हमने सोचा था अपने बारे में। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, वरान श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाओ, निबोधत उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इसीलिए गुरुओं की महत्ता बताई गई, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, और उसके बाद लक्ष्य तक पहुँचो। आपका लक्ष्य है श्रेष्ठ ज्ञान जहाँ मिलता हो वहाँ जाएं, जहाँ अच्छा ज्ञान मिलता हो, जिस ज्ञान से हमारी भूख पूरी होती हो, हमारा अंतरात्मा की भूख पूरी होती हो और हमें मोक्ष प्राप्त होता हो भवबंधनों से। इस जीवित रहते हुए शरीर में हमें मिल जाए मोक्ष, बंधन मुक्ति। आप कहेंगे क्यों आप हमको मरने से पहले मार रहे हैं? नहीं, मार नहीं रहा। मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति किस चीज़ से? वासना तृष्णा अहंता से। वासना तृष्णा अहंता, वासना काम वासना, कामनाएं, मनोकामनाएं, मनोकामनाएं तंग करती हैं हमको, वासना तंग करती है हमको, सताती है हमको, बड़ी परेशान करती है। ये जो वासना का खेल देख रहे हैं आप चारों तरफ, जो देख रहे हैं दुराचार वासना का खेल। तृष्णा यानी खूब पाने की कामना, ग्रीड लालच, ढेर सारा पाने की कामना। गांधी जी ने कहा है देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। इस धरती पर सबके लिए जरूरत के लायक काफ़ी है पर लालच के लिए काफ़ी नहीं है। आप दोहन करते जाइए पानी का भी, आप दोहन करते जाइए रिसोर्सेज का, आप दोहन करते जाइए गंगा माता का, आप दोहन करते जाइए हिमालय का, तो ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। प्रकृति पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और प्रकृति नाराज होकर आप पर बरसेगी बुरी तरह से। इसलिए आपको ये सोचना है कि तृष्णा हमारी कितनी सीमा तक रहनी चाहिए। तृष्णा रहनी भी नहीं चाहिए, हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी हम रखें। हमारे गुरुदेव ने वाक्य लिखा है यदि प्रसन्न रहना हो तो उसके दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें या परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं, तालमेल बिठाने की कोशिश करते नहीं हैं, और दुनिया भर की रावण जैसी, हिरण्यकश्यप जैसी महत्वाकांक्षाएं पाले बैठे हैं। तो वैसी चीज़ों को छोड़िए, आप अपने लिए, अपने खुद के लिए एक लक्ष्य बनाइए कि इस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। 5 लाख कमा लिया साल में बहुत है, 10 लाख कमा लिया बहुत है, पर एक लक्ष्य तो बनाओ। लक्ष्य बनाते नहीं हो, अतृप्त रहते हो, असंतुष्ट रहते हो, बेचैन रहते हो, उद्विग्न रहते हो, और दुनिया भर का सिरदर्द सिर में लेके बैठते हो। और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, कितना आ जाए बताइए, कितना आ जाए। एक शायर ने कहा है मुझे शहंशाही मत दे मोला,
मुझे शहंशाही नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी दरिया दिली चाहिए जिससे मैं लोगों के मनुष्यों के ऊपर नहीं बल्कि मनुष्यों के दिलों पर राज कर सकूं। मुझे ऐसी दरिया दिली दे जिससे मैं लोगों के दिलों पर राज कर सकूं। मित्रों, सारे शहंशाह एक तरफ, अंबानी, टाटा, अडानी, जितने भी तुमको दिखाई पड़ते हैं, सब पैसे वाले एक तरफ, और हम एक तरफ, हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों का दिल है और वो उनके ऊपर हम राज करते हैं। तो हम ज़्यादा बड़े हुए कि वो ज़्यादा बड़े हुए? बड़ा बनना है तो वो बड़ा बनो कि आपको सब प्यार करते हो, आपको आपका बेटा प्यार करता हो, आपकी बहू प्यार करती हो, आपको आपकी बहू पत्नी प्यार करती हो, आपकी माता प्यार करते हैं, आपके पिताजी प्यार करते हो, आपके पड़ोसी प्यार करते हो, आपका घर मोहल्ला प्यार करता हो, और कहे कि आदमी हो तो ऐसा हो। अगर ऐसा कहने लगे तो आपका जीना सार्थक। मित्रों, न जाने क्या हुआ है कि ये पिछले 15-16-17 साल में इतना तेज़ी से भूमंडलीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ, कि पाश्चात्य सभ्यता हमारे तेज़ी से आ गई, हमारी संस्कृति गायब हो गई। पहले हम पिताजी के पांव छू करके घर से बाहर निकलते थे, आज हम पिताजी से हाय और बाय करके निकल जाते हैं। पिताजी को पूछते भी नहीं हैं, हाय भी नहीं करते। पिताजी तो छोड़िए मित्रों, माताजी छोड़िए, हम पति पत्नी में भी आपस में नहीं बनती एक दूसरे के साथ। स्थिति खराब है, बहुत ख़राब है, परिवारों में भी और समाज में भी बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करेंगे इसके लिए? फिर तो चिंगारी जलानी पड़ेगी, चिंगारी, एक चिंगारी जलानी पड़ेगी अंदर। वो चिंगारी हर एक के अंदर है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश मनुष्य के अंदर यहाँ बैठा हुआ है, मेरा ही एक अंश। परमात्मा कहते हैं गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा ही एक अंश मनुष्य के अंदर यहाँ विराजमान है। मनः षष्ठानि इंद्राणि, मन और 6 इंद्रिय के बाद माध्यम से मैं उसको निकर्षति, मैं खींच लेता हूँ उसको, मैं प्रकृति से उसको खींच लेता हूँ। ये जो गीता का मैंने श्लोक बताया, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठा है। जितने करोड़ व्यक्ति हैं, जितने 6 अरब व्यक्ति हैं, उतने 6 अरब परमात्मा है अपने पास। हर व्यक्ति के अंदर एक परमात्मा है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा हुआ है, और वो भगवान जो बैठा है वो हमेशा अच्छी सलाह देता है, हम सुनते नहीं उसकी, हम बात ही नकार जाते हैं उसकी। ये भगवान को जगाने के लिए चिंगारी जलानी पड़ेगी अंदर, प्रकाश देखने के लिए। एक अंधेरा कमरा था, रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं, एक अंधेरा कमरा था, बहुत दिनों से खुला नहीं था, उसमें एक मोमबत्ती जलाई, चारों तरफ प्रकाश हो गया। हजारों साल का अंधेरा एक मोमबत्ती जलाते ही दूर हो गया, एकदम ऐसा लगने लगा जैसे कि इस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ छा गया। यहाँ तो इतनी लाइट जल रही है, सनगन जल रही है सामने, ये जल रही है पूरे पूरे, आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी लाइट जल रही है, पर जहाँ अंधेरा हो वहाँ क्या होगा? अंदर है कुहासा, अंदर है ईर्ष्या, अंदर है द्वेष, अंदर है उद्विग्नता, अंदर है बेचैनी, अंदर है तनाव, अंदर है आप जो अतृप्त आकांक्षाएं हैं उनका सारा सब कुछ। तीसरी बात मित्रों, अहंता, अहंता यानी अहंकार। अहंकार जो है आदमी को खाए जा रहा है, पैसे का अहंकार, साधनों का अहंकार, सामग्री का अंधकार, ये जो तीनों चीज़ें वासना तृष्णा अहंता, पद का अहंकार, ये तीन चीज़ें चली जाएँ तो आप मुक्त हो गए। ऐसे मुक्त होना चाहेंगे ना आप? इससे मुक्त होना चाहिए, अगर इससे मुक्त हो गए तो जीवन में भला ही भला होगा। तो हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को यही सिखाया कि इन तीनों चीज़ों से दूर रहना, क्यों? ये नरक के द्वार है। गीता कहती है 17वें अध्याय में, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, 3 नरक के द्वार हैं, नाशनम आत्मनः, मनुष्य को नष्ट करने के लिए सफिशियंट हैं, काफ़ी, कामः क्रोधः तथा लोभः, काम क्रोध लोभ, तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, तू इनको छोड़ दे, इनके चक्कर मत पड़, काम क्रोध और लोभ इनके चक्कर मत पड़, छोड़ दे इनको। ये 3 नरक के द्वार हैं, हमको नरक के द्वार भी बता रहे हैं और नरक की तरफ हम लोग जा भी रहे हैं, नरक की तरफ हम आकर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला तो रास्ता है। मित्रों, आज मनुष्य जानबूझकर आत्महत्या कर रहा है, जानबूझकर अपने लिए पैरों में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है,
जानबूझकर अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए वो नरक पैदा कर रहा है। ये सब ठीक करने के लिए हमें एक दीपक अपने अंदर जलाना होगा, अपने अंदर एक चिंगारी जलानी होगी। मनुष्य ने जंगल में रहता था तो चकमक पत्थर ढूंढा, उसने दोनों को रगड़ा, ऐसे रगड़ा, रगड़ने के बाद आग निकली, उसको बड़ा आश्चर्य लगा, फिर जलाया तो आग निकली। एक के मन में आया कि ये आग जो है इसको पकड़ा जा सकता है क्या, तो घास लेके आया, सूखी घास रखी, जलाया, रखी। 8-10 अटेम्प्ट के बाद वो सूखी घास ने आग पकड़ ली और आग जलने लगी तेज़ी से। पहला आविष्कार वैज्ञानिक जगत में अगर हुआ तो ये अग्नि का आविष्कार हुआ, आग, फायर। फायर यानी प्रखरता, फायर यानी प्रखरता। दूसरा आविष्कार हुआ पहिए का, एक मन में आया कि इसको गोल करके देखें, पत्थर को गोल करके देखें, पत्थर को गोल करके चलाया तो चलने लगा, उसने दो पहिए बनाए और दोनों के बीच में जोड़ दिया। ये आविष्कार होते होते गति का आविष्कार हो गया, गति, गति, गति के साथ जुड़ा हुआ है फायर, अग्नि। अग्नि और गति इन दोनों ने मिलकर के विज्ञान को खड़ा किया। मित्रों, वो जो मनुष्य ने जो आविष्कार किया था वो आविष्कार इस तरह से आदमी के अंदर में, अंतर जगत में जलता चला गया, देखते देखते उसने आज वहाँ से प्रगति करके यहाँ तक ला खड़ा कर दिया। आज हम कुछ भी बना सकते हैं, आज हम बड़े से बड़े मकान बना सकते हैं, बड़े से बड़े हाईवेज बना सकते हैं, बड़े से बड़े स्थान बना सकते हैं। ये केवल बनाने का करिश्मा क्यों हमारे हाथ में आया, क्योंकि हम विज्ञान के महारत हासिल करने के योग्य हो गए, उस चिंगारी की बदौलत। वो जो एक चिंगारी छोटी जली थी ना, उसकी वजह से। वो चिंगारी अपने अंतर जगत में जला लीजिए ना आप। आपको क्यों नहीं आता ऐसा कि अपने अंतर जगत में एक चिंगारी जला के देखें तो सही कि कैसे हमारे अंतर जगत के अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर जखीरा भरा पड़ा है। मित्रों, मैं मेडिसिन का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने MD किया है, मैंने एनाटॉमी में डिसेक्शन किया है और मेडिसिन में मैंने बहुत गहराई तक जाके कार्डियक कैथेटर भी डाले हैं, सब कुछ किया है मैंने। और मैं जानता हूँ कि मनुष्य के अंदर जखीरा भरा पड़ा है। मैंने अध्यात्म की ABCD पढ़ी है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैंने वो चीज़ सीखी है जिसके माध्यम से आध्यात्मिक एनाटॉमी पढ़ने में आई। कुंडलिनी क्या होती है, चक्र क्या होते हैं, उपत्तिकाएँ क्या होती हैं, पंचकोश क्या होते हैं, ये सब मैंने पढ़ा। सब देखने के बाद मुझे लगा कि इतना जखीरा भरा पड़ा आदमी के अंदर, उसको पहचानता ही नहीं है, वो ढूंढता बाहर, वो यहाँ है अंदर। एक बार भगवान के मन में आया कि भगवान ने कहा कि आदमी बहुत दुखी है, दयनीय स्थिति में जी रहा है, चलो चलते हैं, अनुदान बरसा देते। नारद जी ने मना किया कि लक्ष्मी जी से बात कर ली थी क्या, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी से पूछा तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। बोले फिर उनकी बात नहीं मान करके क्यों जा रहे हो नीचे, धरती लोक में जाओगे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। बोले नारद तुम जानते नहीं हो, मैं दुखी लोगों का दुख नहीं देख सकता, मैं जाऊँगा धरती पर। धरती पर आ गए, उन्होंने बताया मैं भगवान हूँ, लोग हंसने लगे, लोगों को लगा भगवान कहाँ से आ गए। तो उन्होंने ढेर सारे जेवरों के, गहनों की और सब बहुमूल्य हीरों की बारिश करवा दी। अरे बस फिर तो क्या था, लोगों ने कहा ये वास्तव में भगवान है। आज के जो तथाकथित भगवान और अवतार जो कहते हैं अपने आप को, बाबा लोग, महात्मा लोग, यही करते हैं, एक आध दो चीज़ दिखा दी, उसके बाद फिर उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं हाथ धो के, बाद में कुछ मिलता नहीं, बाद में जेब से सब चला जाता है। भगवान ने जब किया तो भगवान के पीछे भाग गए, भगवान के पीछे भागे, पकड़ लो इनको, इनसे खूब सारे चीज़ निकलवानी है। भगवान भागे, पहाड़ पे जाके बैठ गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ जाके बैठ गए। लोगों ने कहा ये बड़ी मुसीबत है, तो कैसे जाएं? फिर रास्ता बना के कार से, मोटर से, बसेस से, सभी से सब ऊपर चले गए। भगवान ने कहे तो यहाँ भी आ गए, भगवान वहाँ से भागे, भगवान को तो कोई किसी वाहन की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान तो सूक्ष्म शरीर से भी जाएं तो पहुँच जाएंगे। भगवान पहुँच गए द्वारका, और द्वारका में जाके पानी के नीचे छिप गए। द्वारका आपको मालूम है समुद्र के नीचे थी, उसमें जाके छिप गए और उन्होंने वहाँ जा करके एक अपनी नगरी बसा ली। लोगों को पता चल गया, लोग नाव ले लेके पहुँच गए वहाँ पे उनके पास। जब लोग नाव ले लेके पहुँचने लगे, चारों तरफ से नाव हैं, कोई जहाज़ लेके आ रहा है, कोई नाव लेके, जहाज़ लेके इसलिए आ रहा है ज़्यादा रत्न मिलेंगे तो बटोर करके सभी से भर के ले जाएंगे।
आदमी मनोकामना चाहता भगवान से, सद्बुद्धि नहीं चाहता। आदमी भगवान से केवल पैसा चाहता है, पाप नाश करने की शक्ति नहीं देता मांगता, अपने पापों को नष्ट करने के लिए शक्ति नहीं मांगता भगवान से। गायत्री मंत्र का जप करता है पर सद्बुद्धि नहीं मांगता, वो कहता है मैं गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ पर मुझे पैसा दे दो बस, और कुछ नहीं। बड़ा ना समझ है। भगवान ने कहा आप क्या करें, ये तो यहाँ भी आ गए दुष्ट लोग। भगवान ने नारद को याद किया, नारद तुरंत आ गए, बैठे थे पास में। नारद से पूछा भी कहो क्या करें भाई, ये तो बड़ी आफत हो गई, वहाँ गए तो आ गए, यहाँ गए तो आ गए, कहाँ जाएं? तो नारद जी ने कान में कुछ कहा भगवान के, भगवान के कान में जब कुछ कहा तो भगवान ने कहा ये सही, सबसे सही रास्ता है। तब से भगवान उस जगह छिपे हुए हैं जो नारद जी ने बताया, और उस जगह कोई नहीं देखता, सब जगह दुनिया सब जगह भगवान को ढूंढती है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह ढूंढती पर वहाँ नहीं मिलते। मिलते कहाँ हैं? तो जहाँ नारद जी ने जगह बताई थी। नारद जी ने कहा भगवान आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ छुप जाइए, हृदय लोक में छुप जाइए, आदमी के हृदय में, बस यहाँ छुप जाएंगे, यहाँ कोई नहीं देखेगा, सब जगह ढूंढ लेंगे पर यहाँ नहीं ढूंढ लेंगे। बस आज यही हो रहा है मित्रों, यहाँ नहीं देखता आदमी, बाकी सब जगह ढूंढता है, सब जगह ढूंढता है, सब जगह पता लगाने की कोशिश करता है, यहाँ भगवान है क्या, यहाँ भगवान है क्या, यहाँ चमत्कार हुए थे क्या? अच्छा चमत्कार हुए थे, ठीक है तो यहाँ हम बात करते हैं। ये आदमी की नासमझी है, नासमझी, समझ बड़ी गड़बड़ा गई। विज्ञान जितना बड़ा है, विज्ञान जितना विकसित हुआ है, उस विज्ञान के विकास के साथ आदमी की समझ कुंद होती चली गई, और ये सारा धार्मिक जगत अंधविश्वासों से गिर गया। सब कुछ संभव है अध्यात्म में, सब कुछ संभव है, आध्यात्मिक उच्च स्तरीय विज्ञान है, और इस उच्च स्तरीय विज्ञान को जीवन में उतार के देखो तो आप देखोगे कि परखा हुआ विज्ञान है, आपके जीवन को बदल सकता है, आमूलचूल बदल सकता है। एक रसायन है, एक कीमिया है, ये आपको पूरी तरह से रासायनिक ढंग से बदल सकता है, आपकी संरचना को बदल सकता है, आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। अपना के तो देखो अच्छी तरह से, पवित्रता और प्रखरता की उपासना करना तो देखो, सीखो, गति को अपने जीवन में ला के तो देखो। सुबह उठते हो तो चार बार तो चार कप चाय चाहिए, उसके बाद उठने की इच्छा होती है, और उठने की इच्छा होती है तो भी शाम तक नींद नहीं खुलती, जब तक शराब का एक प्याला मुंह में नहीं चला जाए तब तक जागते नहीं है लोग। उठो जागो, इसलिए ऋषि कहता है कठोपनिषद में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत शुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदंती। ऋषि ऐसा कहते हैं कि ये बहुत कठिन मार्ग है संसार में आना, और संसार की राह को पार कर जाना बिना किसी उसके, बड़ा कठिन मार्ग है। बिना अध्यात्म के ही पार नहीं होंगे, बिना ऋषियों के ज्ञान के पार नहीं होंगे, तो उसको कैसे करें? उठो जागो, रुको मत, जिस दिन होश आ जाए उस दिन उठ जाओ। ये चिंगारी किसी दिन को जगा देता है। नरेंद्रनाथ नाम का लड़का स्वामी विवेकानंद बन गया, जो बाद में अपने गुरु के पास गया, गुरु के पास जाकर के उनके चरणों में बैठ गया, बोला मैंने सुना है भगवान को देखा है आपने, बोले हाँ देखा है, मुझे भी दिखा सकते हैं, बोले हाँ दिखा सकते हैं, तेरे अंदर वो दिखाई पड़ रही है हमको ज्योति, कि तू उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, चल ला तेरा सिर, ला सिर लाया, सिर के ऊपर हाथ रखा, वो दुनिया बदल गई उसकी, तो न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा उसको, सारी दुनिया, सारा भगवान का 11वें अध्याय में बताया हुआ, गीता के 11वें अध्याय में बताया गया पर सारा वर्णन भगवान के, इस मुँह से सब कुछ निकल रहा है, सब देवी शक्तियाँ जो हैं सारी प्रकट हो रही हैं, विराट रूप भगवान का देखा। अब वो एक बार दिखे तो ठीक है, पर 24 घंटे दिखे तो क्या होगा? दो दिन तक यही हालत बनी रही। वो वापस आया, पकड़ लिए पाँव, बोले भगवान, प्रभु मेरे गुरुदेव, इसको भगवान, इसको रोक दो, भगवान को दिखा दिया बस बहुत बड़ी बात है, झलक दिखा दी बहुत बड़ी बात है, अब इसको रोक दीजिए नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। उंगली हाथ रखा, चुप, बस उस दिन चिंगारी जल गई एक, उस दिन एक चिंगारी जल गई शिष्य के अंदर, और वो चिंगारी जलते ही वो विवेकानंद बन गया, उस दिन विवेकानंद बन गया। उसके बाद उसने छोड़ा नहीं कभी, बड़ी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियाँ आईं, बड़ी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आए, बड़े ज़्यादा ख़राब परिस्थितियाँ, घर में खाने को नहीं, जिस घर में हजारों आदमी भोजन करते थे, जिस घर में न जाने कितना लुटाया जाता था, भिक्षा में बांटा जाता था, उस घर में वो मुकदमेबाजी चालू हो गई,
पति पिता की मृत्यु के बाद, विवेकानंद नरेंद्रनाथ के पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने मुकदमा कर दिया और सारा सब गलत शर्त लिखवा लिया था, दस्तखत करा लिए थे, विश्वास में दस्तखत कर लिए थे, तो सारा सब कुछ मकान वकान से लेकर सब कुछ गिरवी हो गया पूरा। पानी पी के चले जाते थे, वो कहते थे दोस्त क्या खाना का क्या है, माँ तुम खाना मत बनाना। माँ कहती थी बेटा मैंने खाना कहाँ बनाया, मैं तो एक रोटी बनाई, हमने सब ने एक 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 रोटी के दो तीन टुकड़े करके बांट लिए हैं। ऐसी स्थिति में वो जाता है अपने गुरु के पास और कहता है आप मुझे नौकरी दिलवा दो, अब मैं अपनी माँ का दर्द नहीं देख सकता। अरे तू कल तक भगवान देखना चाहता था और आज नौकरी मांगने आया है, कैसा दुष्ट है तू, तू तो मेरा काम करने के लिए पैदा हुआ है, तेरे को मैं ढूंढ के लाया हूँ, सात ऋषियों में से एक, तू कहाँ से आ गया, तेरे मन में ये कहाँ से आ गया, तू मत ये मत सोच, ऐसा मत सोच। तो नहीं प्रभु, मेरे से माँ का दर्द नहीं देखा जाता, घर के लोगों की भूख देखी नहीं जाती, जा माँ बैठी, मेरी माँ बैठी, दुर्गा बैठी, दुर्गा के पास जा। दुर्गा के पास गया तो दुर्गा की आंखों में आंखें डाल के देखा, दक्षिणेश्वर की माँ अंबा काली आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा माँ मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, मुझे वरदान दे, मुझे वैराग्य दे, भक्ति शक्ति और वैराग्य, बस और कुछ नहीं। तीन बार वो गया, तीनों बार यही मांग के आया और अल्टीमेटली जब आ करके उसने जब बोला कि महाराज आपने क्या जादू कर दिया उसके ऊपर, आपकी देवी है तो आपसे मेरे मुँह से वही कहलवाती है जो मुझे नहीं चाहिए, पर मेरे से मुँह से ये निकलता है, बोल तू जानता नहीं है, तुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जा आज से तेरे घर में अनाज की कमी नहीं होगी, तेरे घर में सुख साधन तो नहीं होंगे, पर तेरे घर में तेरी माँ भूखी नहीं रहेगी, तेरे भाई भूखे नहीं रहेंगे, तेरी बहन भूखी नहीं रहेगी, पढ़ने के लिए सफिशिएंट मिलता रहेगा। उसी दिन से मित्रों रामकृष्ण के शिष्यों ने सारी व्यवस्था कर दी, पैसे की राशि की व्यवस्था कर दी, अनाज पहुँचने लगा, सब पहुँचने लगा, और भक्त जब अपने आपको गुरु के चरणों में सौंप देता है तो गुरु का दायित्व हो जाता है कि अपने भक्त को अपने शिष्य को संभाले। क्यों? उसने उसके अंदर की चिंगारी देखी ना, आग देखी है, उस चिंगारी को जो देख लिया, उस चिंगारी को देखने के बाद फिर पूरा के पूरा जो जीवन बदल गया। मित्र हम लोग भूल गए अपने अंदर की चिंगारी को, कि हमारे अंदर भी आग है, हमारे अंदर भी वो आग जल रही है और वो अग्नि के स्फुल्लिंग हमारे अंदर भी हैं, पर न जाने क्यों हम पहचान ही नहीं पाते, न जाने क्यों हमारे जीवन में दिन में कभी आता ही नहीं कि हम अंदर देखें, यहाँ देखते नहीं हैं, सारी दुनिया में देखते हैं, चकमक 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 चारों तरफ, बाहर ही बाहर लाइट ही लाइट, उजाला ही उजाला, दिखेगा क्या, यहाँ कहाँ दिखेगा, अंधे अंदर का कहाँ दिखेगा। ध्यान में क्या करते हैं, अंतर ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, ध्यान में आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, दीपक की ज्योति को यहाँ स्थिर करते हैं, सूर्य की ज्योति को यहाँ ध्यान करते हैं, चंद्रमा की ज्योति को यहाँ स्थापित करते हैं और अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाके अपने शरीर को पूरे पूरे शक्ति में बना लेते हैं। ध्यान क्या है, 5 मिनट की 10 मिनट की एक्सरसाइज आप करके तो देखिए, कुछ नहीं करना है, हाथ पांव ही नहीं हिलाना है, बैठ के देखिए, करके देखिए, आप अपने आप को पहचानने लगेंगे। शीर्षक कहता है आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, आत्मावर ज्ञातव्य, अपने आप को जताने की कोशिश करो कि तुम कौन हो, आत्मावर श्रोतव्य, अपने आप को सुनो, आत्मावर निदिध्यासव्य, अरे आत्मा को अपने अंतर जगत में बिठा करके और उसके साथ बैठ करके ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाओ, समाधि में पहुंच जाओ। हम नहीं कर पाते मित्रों, हम भूल गए अपने बारे में। एक भेड़ का बच्चा था, एक शेर का बच्चा था, वो भेड़ के बच्चों में मिल गया और घूमते घूमते उनके साथ वो भेड़ के साथ चला गया, शेरनी अलग चली गई और ये इधर चला गया, और वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि ये तो कुछ अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, उसने भी उन्हीं तरह की आवाज़ निकालने चालू की। भेड़नी ने देखा कि एक दूसरा जीव आ गया है, छोटा सा बच्चा, तो बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, अब देखो सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, छोटे बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। उसने दूध पिलाना चालू कर दिया, दूध पीना चालू कर दिया, अब दूध पीता और उन्हीं के साथ रहता तो मैं करता फिरता। यहाँ एक दिन एक शेर आ गया, वहाँ दहाड़ता हुआ जोर से, तो सारी भेड़ और भेड़ के सारे बच्चे भाग गए, पर वो शेर खड़ा रहा, शेर का बच्चा खड़ा रहा। तो शेर का बच्चा जो था उसने यूं मुंह उठा के देखा कि कौन है, उसने देखा कि तो कोई ऐसा लगता है जैसे मेरे जैसे ही कोई है ये। तो उसने कहा आप कौन है, अरे तू यहाँ कैसे इनके बीच में, कायरों के बीच में, डरपोकों के बीच में तू कैसे आ गया यहाँ पे, तू बता तू यहाँ कैसे आ गया। तो उसने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं, मैं वही भेड़िए वाली आवाज़ भेड़ वाली आवाज़ में बोल रहा था,
पर तू चल मेरे साथ, चल मैं तेको दिखाता हूँ। शीशे और आईने तो थे नहीं उस जमाने में, तो वो सरोवर के किनारे ले गए, सरोवर में दिखाया, तालाब में जल दिखाया, जल में अपनी छाया दिखाई, फिर उसकी छाया दिखाई उसको, और उसके बाद ज़ोर से आवाज़ करके दिखाया, दहाड़ के दिखाया कि मैं कौन हूँ। बोल तेरे अंदर भी वो आवाज़ है, तू पहचान उसको, चल ज़ोर से आवाज़ लगा। उसने भी दहाड़ा ज़ोर से तो आवाज़ निकली। उसने कहा देख तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है, तूने अपने आप को पहचान लिया आज, तब तू मेरे साथ चल, और मेरे साथ चल के अपने सिंहत्व को पहचान। मित्रों आप सब परम पूज्य गुरुदेव के बेटे हो, शेर के बेटे बन के रहना, भेड़ के बेटे मत बन के रहना, कायर नहीं बनना, हिम्मत रखना। छोटी छोटी मुसीबतों में, छोटे छोटे परेशानियों में अपने अंदर की शक्ति को तो पहचानते नहीं हो और हाथ खड़े कर देते हो, नहीं हमसे नहीं होगा, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, शेर डूब गया, ये हो गया, मंदी आ गई, पैसा कम हो गया, अरे कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत सबसे बड़ी है। हमने किताब गुरुदेव ने एक किताब लिखी है हारिए ना हिम्मत, वो किताब की प्रतियां मित्रों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में जा रही हैं। 10 करोड़ प्रतियां उसकी बिक चुकी हैं, 10 करोड़ प्रतियां, और कम से कम 20 भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन हो चुके हैं। और अब वो किताब ऐसी हिम्मत देती है बच्चों को, 31 दिन के 31 संदेश हैं, तो एक संदेश को बच्चा पढ़ता है तो उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। प्रतिदिन पढ़ेगा तो प्रतिदिन प्रकाश आएगा, एग्ज़ाम के दिनों में नर्वस नहीं होगा, आज आदमी नर्वस हो जाता है, जल्दी जल्दी अशांत हो जाता है। मित्रों आप आज अपने आप को पहचानिए, और पहचानने के बाद अपने जीवन में एक ज्योति जलाइए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ न एतत्व उपद्यते। हे अर्जुन, ये क्लीवता का भाव, क्लीव यानी नपुंसक, क्लैब्यम यानी नपुंसक, नपुंसकत्व, नपुंसकता का भाव तुझे शोभा नहीं देता। क्लैव्यम मा, मा यानी नहीं, स्मगम पार्थ, हे अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता ये, तो इसको भूल जा, न एतत्व उपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता ये। क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, हृदय की शुद्रता को, हृदय की दुर्बलता को छोड़कर, क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप, उनको छोड़ करके त्यक्त्वा उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, परंतप शत्रु विनाशकारी, परंतप का मतलब होता है शत्रु विनाशकारी। जो अपनी आंतरिक जीवन की दुर्बलताओं को शांत कर ले, तो लड़ ले, जो अपने काम वासना से लड़ ले, जो अपने आलस्य से लड़ ले, जो अपने प्रमाद से लड़ ले, जो अपनी कमजोरियों से लड़ ले, और जो अपने सबसे बड़े शत्रु से लड़ ले, जो उसको समाप्त किए दे रहा है, नशा, आज का सबसे बड़ा शत्रु नशा, आज के सबसे बड़े शत्रु गुस्सा, आज के सबसे बड़े शत्रु ईर्ष्या, इन सब पे जो काबू कर ले, परंतप हे अर्जुन तू उठ के खड़ा हो जा। मित्रों आज आप सब अर्जुनों से एक ही मांग में करना चाहता हूँ कि अपने अंदर की हृदय की चिंगारी को जलाइए, और उस चिंगारी को जला करके आज आप एक दीपक बन जाइए। आपके अंदर का दीपक जो है एक बार जल गया तो हजारों दीपक जल उठेंगे चारों तरफ। दीपक जो होता है उसके अंदर गहराई होती है, और गहराई होने की वजह से उसमें जितना ज़्यादा ज़्यादा तेल डालोगे उतना तेल आएगा, और गहरा दीपक बनाइए तो गहरा तेल आएगा। आज क्या हुआ, चाइना के दीपक आ गए, और दीपक तो उनके आ ही गए, इसके अलावा क्या हुआ कि लोगों ने जब जैसे रोशनी लगा रखी ना, LEDs लगा रखी हैं सारी झालर, दीपावली पे लक्ष्मी जी को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि ये झालर टांग देते हैं अपने घर के आगे, हे माता जी हमारे घर में आइए, आइए ना प्रकाश हमारे यहाँ ज़्यादा है। पुराने ज़माने में लोग दीपक जलाते थे, दीपक, दीपावली, दीपावली, अवली यानी पंक्तियाँ, सीरीज ऑफ लाइटेड लैम्प्स, दीपावली का मतलब होता है दीपावली, दीपावली, आवली यानी पंक्तियाँ, संस्कृत शब्द है। दीपावली मनाने के बजाय आज हम बल्बावली मनाते हैं मित्रों, बल्बावली है। क्या हम जाग सकते हैं आज, थोड़ा अपने आप को जगा सकते हैं, और जगा करके अपने अंदर के दीपक की पात्रता बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य को अपने अंदर की पात्रता बढ़ाना। पात्रता बढ़ाने के लिए रोज़ साधना करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी, और एक संकल्प लेना पड़ेगा कि उपासना को पकाने के लिए मैं आराधना करूँगा नियमित रूप से। मित्रों ये जो उपासना है ये परमात्मा के पास बैठना है, परमात्मा जैसा बन जाना, उपासना का मतलब है भगवान के साथ संगति, परमात्मा के साथ संगति। परमात्मा है ना आदर्श, आइडियल्स, क्वालिटीज़, वर्च्यूज़, अच्छाइयाँ, श्रेष्ठता, सद्गुण, इन सब के साथ बैठ जाना,
अच्छाइयों के साथ बैठ जाना, मतलब इनके जैसा बन जाना। लोग शिव जी को पूछते हैं, लक्ष्मी जी को पूछते हैं, पर कभी लक्ष्मी जी का दर्शन समझा आपने? कभी शिव जी का दर्शन समझा आपने? शिव जी के सिर में से एक जटा से गंगा निकलती है, उसको मतलब समझा आपने? शिव जी गले में हलाहल धारण किए हुए, विष धारण किए हुए नीलकंठ कहलाते हैं, कभी मतलब समझ में आया आपको? सांप गले में धारण किए हुए, मतलब समझ में आया? मैं आपको मतलब बताता हूँ, दो एक का मतलब बताता हूँ शिव जी का, बाकी सब समझ जाएंगे आप गुरुदेव के साहित्य पढ़ने के बाद। शिव जी गले में विष इसलिए धारण किए हुए हैं कि उस विष को उगला तो सारे समाज में तबाही मच जाएगी। किसी और से सुनी हुई बुरी बात को, किसी और से सुनी हुई बुराई को, कलह को, विद्वेष को अपने अंदर लग निकल लो, निकालो मत उसको बाहर, चुपचाप शांत होकर के अंदर रख लो। सर्प का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए घातक हो सकते हैं, उनको भी गले से लिपटा के रखो, उनको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करो, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो, उनसे दुष्टता मत रखो, उनको मारने की कोशिश मत करो, उनको आप अपने साथ रखिए। गंगा जी निकलती, गंगा जी ने पवित्रता निकलती है, चंद्रमा निकलता है यानी शीतलता, चंद्रमा द्वितीय का चंद्रमा, फुल मून नहीं निकलता पूरी पूर्ण चंद्रमा का, वो द्वितीय का चंद्रमा निकलता है छोटा सा। द्वितीय के चंद्रमा की तरह से इतनी से इतने ठंडे हो जाओ बस, और लघुता मतलब, लघुता मतलब छोटापन, अपने को छोटा मानते हुए शिव जी की तरह से छोटे चंद्रमा को धारण करने कोशिश करो। बाघम्बर पहनते हैं, सादगी से रहते हैं, शमशान में रहते हैं, भूत पलितों के साथ रहते हैं, वैराग्य का धारण किए हुए, इसके बावजूद भी शादीशुदा हैं, पत्नी पार्वती हैं उनकी, शिव और पार्वती के पति पत्नी के माध्यम से कार्तिकेय जन्म है, शिव जी के माध्यम से गणेश जन्म है, पार्वती जी के शरीर से जो मेल निकला था उससे जो पैदा हुए थे वो गणेश जी थे, तो गणेश जी हैं। ये पूरा दरबार एक प्रकार से संदेश देता है मित्रों कि भले ही पौराणिक मिथक कैसे भी हों, आज की पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि हमको इनके जैसा बनना चाहिए, हमें आदर्श इनको जीवन में उतारना चाहिए, इन आदर्शों को जीवन में उतारेंगे तो हम महान बनेंगे। मित्रों ये अगर आपको समझ में आ जाएगा आज के दिन कि हम अपने जीवन में इन आदर्शों को उतारने की तपस्या कर रहे हैं कि नहीं, तो हम महामानव बन जाएंगे। हमारे अंदर जो क्लैव्यम माय सुगम पार्थ नय तत्व उपद्यते शुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन तू उड़ जा, खड़ा हो जा। वो हाथ जोड़ के कहता है दो तीन चार श्लोकों के बाद, शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, अब आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। बस दो चीज़ें लास्ट में बोलता है 18वें अध्याय में बोलता है कि मेरी स्मृति मुझे प्राप्त हो गई, मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयच्युत, हे अर्च्युत, हे कृष्ण आपकी कृपा से आपकी प्रसन्नता से मेरा मोह नष्ट हो गया। आदमी को आज मोह हो गया है कि वो कुछ और है, आदमी आदमी है, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो और उसी स्थिति में रहो। हमने अपने ऊपर एक मुखौटा ओढ़ रखा है गलत आदमी का, यदि हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम कौन हैं, जैसे मैंने भेड़ की कहानी सुनाई थी, भेड़िए की कहानी सुनाई थी, मैं भेड़ के बच्चे की कहानी सुनाई थी वो आप सुन लेंगे, शेर के बच्चे की कहानी सुनाई थी, मोह नष्ट हो जाए, और मोह बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, इन सब के प्रति, किसी के रिश्तेदारों के प्रति न रख करके सारे समाज के प्रति, सारे राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र ऊंचा उठे, गौ माता की सेवा हो, गंगा माता की सेवा हो, गंगा घर घर पहुंचे, गंगा पवित्र हो, ऐसा भाव यदि मन में आपके विराट आता हो तो आप अलग से राशि निकालना चालू कर देंगे और ये सोचना चालू कर देंगे कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे राष्ट्र और समाज के लिए करना चाहिए। अब एक उम्र बीत गई जब मैंने बच्चों के लिए करना था, अब बच्चे अपने आप करेंगे, मैं अब समाज के लिए करूँगा। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मैं आई गेन माई मेमोरी, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई, अब मैं वही काम करूँगा जो भगवान को पसंद है। भगवान को पसंद है आप मानव के तरह से काम करिए, मानव की तरह से काम करिए, मनुष्य की तरह से काम करिए। न एतत्त्वई, जो मैंने आपको बताया कि शुद्रम हृदय दुर्बल्यं, पहले मैंने एक लाइन बताई आपको कि क्लैवियम मास में पास न एतत्त्व उपपद्यते, उपपद्यते शब्द का अर्थ होता है शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता तुझे ये।
मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीना शोभा देता है, नहीं तो शोभा नहीं देता। तो क्या करें, पात्रता को बढ़ाइए, अपने आप को मनुष्य बनाइए, मनुष्य बनाकर देव मानव बनाइए। नर पशु, नर कीटक, नर मानव, तीन योनियाँ, आप नर मानव में हैं, तीसरी में हैं, अब देव मानव बन जाइए, और देव मानव बनने के बाद महामानव बन जाइए, पांचवें, आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। महामानव, महामानव बनने के बाद पैगंबर, अवतार, देवदूत, न जाने क्या क्या बनते हैं। मित्रों, कैपेसिटी बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, पात्रता बढ़ाइए, पात्रता गहरी कीजिए। जितना पात्रता बढ़ाएंगे उतना ही संवेदना अंदर आएगी। संवेदना का मतलब है घी, तेल जो आप दीपक में डालते हैं। संवेदना आएगी तो संवेदना के साथ साथ बाती आएगी एक बीच में, जो प्रखरता के प्रतीक के रूप में जलेगी, और वो तब तक जलती रहेगी जब तक घी रहेगा, और घी तब तक रहेगा जब तक कि पात्रता गहरी रहेगी। आइए आज दीपक जलाते हैं, और दीपक जला करके एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अंदर भी दीपक जला दो, हमारे अंदर भी चिंगारी जला दो। एक चिंगारी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के अंदर जलाई थी, हे भगवान एक चिंगारी हमारे अंदर भी जला दो, और वो चिंगारी जला करके हमारे जीवन को महान बना दो, हमें हमारे उद्देश्य को हमें सार्थक करा दो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण। हमारा उद्देश्य है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। ये अगर हमारे उद्देश्य पूरे होते चले गए तो जीवन बदलता चला जाएगा। गायत्री परिवार मित्रों इन्हीं कामों में लगा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप में से जितने व्यक्ति आए हैं इन सब की इच्छाएं पूरी हो, मनोनाश हो जाए। मनोनाश हो जाए तो उसको बुरा मत मानना। मनोनाश का मतलब होता है मनोकामना नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए मतलब पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए, इसके बाद नई कामना पैदा ना हो। मनोनाश बहुत अच्छी चीज़ है, उसको बुरा मत मानना, उसको अच्छाई के रूप में लेना। जब गायत्री मंत्र जीवन में आता है तो मनोकामनाओं को नष्ट कर देता है, मनोकामनाओं को पूरी कर देता है, और ढेर सारी समृद्धि, ढेर सारा सब कुछ देता चला जाता है। यदि आप पात्र बन गए तो क्या बनना है, पात्र एक दीपक बनना, बस तुम दीपक से बनते जाओ। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी। बोले यज्ञ भगवान की जय। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम दीपक से जलते जाओ का दिव्य संदेश आपने सुना। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपकों को जला सकता है, इसलिए अब आपके सामने संक्षिप्त रूप में दीप यज्ञ होगा। यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य धन्य संभवा यज्ञात भवत् पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए सूक्ष्म रूप में ही हम करें, लेकिन अपने जीवन को आलोकित करने के लिए कम से कम घर में सुबह शाम एक दीपक जला करके दीप यज्ञ अवश्य करें। इस भावना के साथ छोटा सा कर्मकांड होगा, और वहाँ जहाँ बड़ी झांकी बनी हुई है बगल में, वहाँ श्री अनिल सिंगला जी सपत्नी और श्री नरेश डाटा जी, श्री राम नरेश डाटा जी, ये सपत्नी पूजा स्थली के पास पहुँच जाएं। वहाँ जो स्वयं सेवक हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देवी चेतना की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, ऐसी भावना करें। हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, तृप्त रहेंगे, और इच्छाओं का समन करते हुए अपने देवत्व को बढ़ाएंगे। इस भाव के साथ हमारे आचार्य लोग इन संस्कृत के सूत्रों को बोल रहे हैं, और आप इन सूत्रों को दोहराएं। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय,
अन्तःकरणेषु अन्तःकरणेषु संविशेत् संविशेत् ॐ पवित्रता नः ॐ पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत् सन्मार्गं नयेत् पवित्रता नः ॐ पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु महत्तां प्रयच्छतु ॐ पवित्रता नः ॐ पवित्रता नः शान्तिं प्रददातु शान्तिं प्रददातु। देखिए किसी भी प्रकार की हलचल न करें। अभी आपसे कहा जाएगा कृपया अपनी जगह पर बैठे रहें। अभी आपको कहाँ जाना है क्या करना है आपको क्या पता है, इसलिए आप बैठिए। कृपया आपसे प्रार्थना है बहनें अव्यवस्था ना फैलाएं। आइए पवित्रीकरण के पश्चात अब हम अपनी प्राण चेतना को उस महत चेतना में मिलाते हैं। इसी का नाम है प्राणायाम। और प्राणायाम के द्वारा मनुष्य दीर्घायुष की प्राप्ति करता है। जो हमारा प्राण बिखर रहा है कई प्रकार की चिंताओं में कष्टों में कठिनाइयों में, उसको संकलित करने की प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। जो भाई बहन बैठे हुए हैं कुर्सी पर या कहीं भी, अपने कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, श्वास को धीरे धीरे खींचें, भीतर रोकें और नाक के दोनों छिद्रों से बाहर निकालें। सूर्य सप्ताह का ध्यान करें। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्ने आशुव। आइए देश की मिट्टी प्यारी हमको, देश की मिट्टी प्यारी है। चाहे जितना भी गरीब हो मिट्टी का अधिकारी है। और ये देश की मिट्टी हमारी कैसी है, चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस भाव के साथ आप अनाम का उंगली को इस प्रकार से रखें। यहाँ से हमारे आचार्य लोग सूत्र बोलेंगे और भावना करेंगे कि हमारा मस्तिष्क शांत और शीतल होगा। क्योंकि आजकल आदमी के पास सब कुछ है। आदमी के पास में घर में बढ़िया क्रेकरी सेट है, किचन सेट है, रेडियो सेट, माइंड अपसेट हो जाने के कारण जो भी सुंदर सजा हुआ घर भी एक प्रकार से वीरान हो जाता है। इसलिए आइए हम अपने मस्तिष्क को तरोताजा रखें। इस भाव के साथ में सूत्र बोलें। ओम मस्तिष्कम ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात् शांतम भूयात् अनुचितः आवेशः ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात् ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात् ॐ विवेकः स्थिरी भूयात्। बंधुओ संकल्प के तीन सूत्र हैं। तीन के बिना दुनिया का कोई काम नहीं चलता। यदि किसी को मकान बनाना हो तो तीनों चीज़ें होना जरूरी है, प्लाट भी हो, मकान बनाने का मटेरियल भी हो और मकान बनाने वाला कारीगर भी हो। यदि किसी को खेती करना है तो तीनों चीज़ें होना जरूरी है, खेत भी हो, खेत में बोने के लिए बीज भी हो और खेती करने वाला किसान भी हो जो खाद पानी का इंतजाम कर सके। यदि किसी को ज़िंदा रहना है तो हवा पानी और अन्य तीनों की जरूरत पड़ती है। इसके बिना हमारा जीवन चलता नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिली वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग बना। इसी को वेदों में ज्ञान कर्म भक्ति कहा गया है और इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना साधना आराधना कहा है। नित्य प्रति एक माला गायत्री मंत्र का जप अपने घर में करें, ये उपासना है। साधना का मतलब गुरुवार या रविवार को एक दिन का व्रत करें या एक दिन वाणी का संयम रखें, यह साधना है। और आराधना का मतलब सारी दुनिया में आज पतन पीड़ा फैली हुई है, रोगियों का निवारण करें, भटके हुओं को सही रास्ता बतलाएं, ये तीन सूत्र हैं।
और सूत्र में दो गांठें लगाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हम समय दान अंश दान युग की है यही मांग, समय दान अंश दान अपना जीवन का बहुमूल्य दो घंटे का समय परमपिता परमात्मा के लिए निकालें। भगवान ने जो भी दिया है कम से कम उसमें से एक मुट्ठी अपना द्रव्य अपना अन्न परमपिता परमात्मा की सेवा में निकालें। इन तीन सूत्रों के आधार पर ये तीन यहाँ से संकल्प कराए जाते हैं। पहले यहाँ से हिंदी का एक संकल्प बोला जाएगा। आप सभी भाई बहन जहाँ पर भी खड़े हैं बैठे हैं या जहाँ भी हैं जिनको भी भगवान ने दायां हाथ दिया है दायां हाथ ऊपर करें और आज महाकाल के युग धर्म के निर्वाह के लिए ये संकल्प लें। हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, रचना के लिए अपने संकल्पों को, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें, तथा प्रेरणा दें। हे प्रभो, हे प्रभो, हमारे संकल्प, हमारे संकल्प पूरे हों, पूरे हों। हम सुख, सुख सौभाग्य, सौभाग्य श्रेय, श्रेय पुण्य, पुण्य तथा तथा आपकी कृपा के, आपकी कृपा के अधिकारी बने, अधिकारी बने। आपसे, आपसे दिव्य अनुदान पाने, दिव्य अनुदान पाने और उन्हें, और उन्हें जन जन तक, जन जन तक पहुँचाने की, पहुँचाने की हमारी पात्रता, हमारी पात्रता बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। और ये बढ़ेगी कब? जब तीन अनुशासनों का पालन करेंगे। आचार्य दोहरवा रहे हैं, आप बोले। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम चरिष्यामि, चरिष्यामि। ओम वर्जनीयम, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि, नो चरिष्यामि। आज माता बहनों ने बड़े श्रद्धा पूर्वक बड़े भव्य रूप में कलश यात्रा निकाली। कलश हम सभी भाई बहनों के संगठन का प्रतीक है। कलश देवता के अंदर 33 कोटि देवता तथा सातों ऋषि, सातों समुद्र, गायत्री, सावित्री, उमा, अरुंधति सब विराजमान हैं। ऐसे कलश देवता को जो हमारे यजमान लोग हैं अपने हाथ में पुष्पक्षत लेकर सुपूजित करें। ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणा स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवः सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। कलशदेवता के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन होता है। जैसा अभी आप श्रद्धेय के द्वारा सुन रहे थे, आज गुरुडम फैलता हुआ चला जा रहा है। लेकिन सच्चे गुरु कौन होते हैं? जो अखंड मंडलाकार में चर चर में संव्याप्त तत्पदम दर्शितम ये न, जो उस परम पद के दर्शन करा दे जो सबके हृदय में स्थित है। उस दिव्य तत्व का नाम, उस व्यक्तित्व का नाम गुरु है। लेकिन गुरु आज केवल जादू बताने में, हाथ की सफाई में, सिद्धियों में लग गए हैं। इसलिए गायत्री परिवार में गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा जाता है। इस गुरु दीक्षा में कल जब देव पूजन
स्वस्ति वाचन हो जाएगा, तो श्रद्धे के द्वारा आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और गुरु दीक्षा में कोई भ्रम मत रखिएगा आप, दीक्षा का मतलब है दक्षता प्राप्त करना। आप कितनी प्रकार की दीक्षा ले सकते हैं, जिन्होंने आज तक गायत्री मंत्र की दीक्षा या कोई दीक्षा नहीं ली है वो एकदम नई दीक्षा ले सकते हैं। एक पुनर्दीक्षा भी होती है, आप गुरु को भूल गए, मंत्र को भूल गए, तो आप जैसे पुनर्परीक्षा होती है, पुनर्विवाह होता है, ऐसे पुनर्दीक्षा भी ले सकते हैं, या भागीदारी भी दीक्षा ले सकते हैं। आपने किसी बापू से कोई मंत्र लिया है, महात्मा से मंत्र लिया है, कोई बात नहीं, आप उसको भी जपिए, लेकिन गायत्री मंत्र की व्यवस्थित पूजा, आप गायत्री मंत्र की व्यवस्थित उपासना करें, इसलिए आप भागीदारी भी दीक्षा ले सकते हैं। आप प्रायश्चित दीक्षा भी ले सकते हैं, आपसे कोई भूल चूक दीक्षा में हो गई है, या समय दान अंशदान उपासना साधना का क्रम टूट गया है, तो आप ये प्रायश्चित दीक्षा भी ले सकते हैं। लेकिन कल इतना सुंदर सुयोग, टोलियां तो आती रहती हैं, टोलियां तो जाती रहती हैं, प्रतिनिधि तो आते रहते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को जिन्होंने साक्षात अपने तो दर्शन दिए ही, अपनी सेवा में तो जिनको तल्लीन किया ही, लेकिन एक बार स्वयं गुरु जी ने कहा तुम गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हो, लो गायत्री को देखो, और जब आंखें खोली तो परम पूज्य गुरुदेव में गायत्री के दर्शन जिन व्यक्तित्व को हुए, ऐसे श्रद्धेय डाक साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अतः आप गुरु दीक्षा अवश्य लें, और किससे लें, मंत्र से लें। थोड़ा मैं एक मिनट का समय जरूर ले रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कितना बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। बंधु मंत्र तो ये मंत्रों का राजा है, जैसे सब्जियों का राजा आलू है, जैसे फलों का राजा आम है, जैसे वृक्षों का राजा पीपल है, जैसे तत्वों का राजा आकाश है, जैसे प्रकृति की राजा धरती है, जैसे नागों का राजा शेषनाग है, जैसे हाथियों का राजा ऐरावत है, जैसे घोड़ों का राजा उच्चस्रवा है, जैसे गायों का राजा कामधेनु है, जैसे नदियों का राजा समुद्र है, पहाड़ों का राजा हिमालय है, जैसे इंद्रियों का राजा मन है, जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, जैसे बंधुओं आप सब जानते हैं कि जंगल का राजा शेर है, हाथियों का राजा ऐरावत है, ऋतुओं का राजा बसंत है, इसी प्रकार जैसे प्राणियों का राजा मनुष्य है, ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे ही मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र है। इसलिए आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेंगे तो वास्तव में फिर आपको किसी सेना की, सिपाही की, या किसी और दीवान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा का संरक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप गायत्री मंत्र की दीक्षा कल सुबह 8 बजे यहाँ पर आकर के प्राप्त कर सकते हैं। आइए ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन को साधना की भट्टी में तपाया गलाया, उनका आवाहन करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेषु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सब जग जानि श्री राममये सब जग जानि धराऊं प्रणाम जोर जोग पानि करहुं प्रणाम जुगवानी मो पर कृपा करहुं अब स्वामी मो पर कृपा करहुं अब स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि 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 समीशान निर्वाण रूपम देवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। ऐसा महाकाल हमारे अंदर अच्छाइयों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे, इस भाव के साथ में आप देव शक्तियों के नमन मंत्रों को दोहराएंगे।
ॐ सर्वाभ्यो ॐ सर्वाभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः देवशक्तिभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ॐ सर्वेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः देवपुरुषेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ॐ सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः महाप्राणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ॐ सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः महारुद्रेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ॐ सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः आदित्येभ्यो नमः ॐ सर्वाभ्यो ॐ सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः मातृशक्तिभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यः ॐ सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः तीर्थेभ्यो नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ एतत्कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः श्रीमन्महाकालाय नमः आइए अतिथियों को आमंत्रण किया गया है तो उनको सुपूजित भी करते हैं जो मुख्य यजमान पूजा स्थली पर खड़े हुए हैं वे अपने हाथ में जल पुष्पक्षत ले लें और भावना करें कि कभी छना होने वाली प्रेम भावना रूपी अक्षत पुष्प रूपी उल्लास और धूप दीप रूपी अपनी प्रतिभा की सुगंध तथा ज्ञान को निरंतर बिखेरते रहेंगे इस भाव के साथ में आप सामग्री समर्पित करें ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंधाक्षतम् पुष्पाणि धूपम् दीपम् नैवेद्यम् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके नमन वंदन करें नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशि शिरोद्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है दिए को दिए से जलाना पड़ेगा इसके लिए जो निर्धारित स्वयंसेवक जो कार्यक्रम होने के पूर्व मैंने आपको सूचना दी थी उसके अनुसार कार्यकर्ता स्तर के भाई बहन चारों ओर पहुंच जाएंगे आम जनता ऐसे ही बैठे रहेगी आप केवल दीपक के दर्शन करना और वहां पर मोमबत्ती माचिस उपलब्ध है दीप देवता चारों ओर जगमगाएंगे आप बैठे ही बैठे चारों ओर से दर्शन कर सकेंगे और आप जो हमारे और मुख्य अतिथि लोग हैं वो सामने के दीपक जलाएंगे और जो कुंडों पर बैठे भाई बहन हैं वो कुंड के दीपक प्रज्वलित करेंगे इस प्रकार आइए हम दीप प्रज्वलन का यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं आप लोग दीपक चारों ओर जाकर के दीपक जलाएं और फिर तुरंत अपने स्थान पर आकर के बैठने का कष्ट करेंगे ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम आये गायत्री स्तवन में तेजस्वी परमात्मा की पुनीत प्रार्थना की गई है गायत्री स्तवन हो रहा है आप सब लोग भावभरी प्रार्थना करें ओम यन्मंडलम देवकरम विशालम सवित
एक मिनट, एक जगह ही भीड़ ना बनाए, चारों तरफ चले जाए आप, चारों तरफ बिखर जाए। शुभ ज्योति के पुण्य अनाद अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। मन मंडलम देव गणेश पूजितम विप्रेस्तु सम्मानव मोक्ति कोविदम, देव देवं प्रणमामि भर्गम सुनातु मम दशवितर सविता, पावन बना दो हे देव सविता। योगियों के शुभ मार्गदर्शक सत्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणि पात स्वीकार कर दो अभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। कृपया सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे कि सभी लोग इस विहंगम दृश्य का दर्शन कर सकें, दीप देवताओं के दर्शन कर सकें। अब कोई भी भाई बहन खड़े ना रहें, कृपया सभी भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए, यज्ञ बैठ करके ही होता है, अब हम सूक्ष्म यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। कल आप इन कुंडों में विराट यज्ञाग्नि प्रज्वलित देखेंगे, आज इन यज्ञ कुंडों की अभ्यर्थना उपासना पूजा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्र्यै तन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्र्यै तन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्र्यै तन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमाम। आइए आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन एवं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे, लेकिन उसके पूर्व भूतभावन भगवान श्री शिव महाकाल महादेव का संकीर्तन हम आप सब श्रद्धापूर्वक करें, तत्पश्चात उनके अभ्यर्थना के पश्चात उनके लिए ये आहुति समर्पित की जाएंगी। आइए दोनों हाथ खोलिए, इस तरह से उठाएं, देवादिदेव महादेव भगवान शिव को महाकाल को याद करते हैं, जय घोष करेंगे जोर से। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। ताल से ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। जय महाकाल 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 जो पाप ताप का हरता है जो पाप ताप का हरता है जो युग परिवर्तन करता 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 है आदिशक्ति को साथ लिए आदिशक्ति को साथ लिए आदिशक्ति को साथ लिए आदिशक्ति को साथ लिए बदल रहा है सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल जो बदल रहा है सृष्टि चाल जय महाकाल जय महाकाल जय हो महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। माता जी बैठ जाइए, आपने इसमें ऐसे कीर्तन नहीं होता, ताली बजा के करिए, बैठ करके ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। जिसने सोतों को जगा दिया जिसने सोतों को जगा दिया जागों को जिसने चला दिया जागों को जिसने जगा दिया को जिसने दौड़ाया चलतों को जिसने दौड़ाया चलतों को जिसने दौड़ाया चलतों को जिसने दौड़ाया निष्ठा को दे प्रेरक उछाल निष्ठा को ही प्रेरक उछाल निष्ठा को दे प्रेरक उछाल निष्ठा को ही प्रेरक उछाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल
जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल बोले महाधिपति महाकाल की दोबारा यज्ञ आहुति की मुद्रा बनाएं और महामृत्युंजय मंत्र से यह आहुति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंद्यनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नामाम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंद्यनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नामाम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंद्यना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नामाम। आइए पूर्णाहुति करते हैं और पूर्णाहुति किसी कार्यक्रम का समापन नहीं बल्कि संकल्पों का उदय है और आप इस प्रकार से अंजलि बनाएं जैसे हम लोग पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। जब स्वाहा बोला जाए तब आप दीपकों की ओर अपनी यह मानसिक आहुति समर्पित करेंगे। भाव यही करेंगे कि एक बुराई को छोड़ें एक अच्छाई को धारण करें। पहले आप लोग बोलें हे यज्ञ रूप प्रभो हे यज्ञ रूप प्रभो हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगें उठें इस प्रकार दीप से दीप जलने लगें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती की थाल यहाँ पर तैयार है। जो यजमान दंपति पूजा कर रहे थे वो अपने हाथ में आरती की थाल ले लें और डायरेक्ट जयति जय गायत्री माता से आरती प्रारंभ होगी। आप श्रद्धा पूर्वक आरती में बैठे ही बैठे भागीदार बने। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता। जयति जय गायत्री माता आज शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करते माँ जग पालन करते दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरते। जयति जय गायत्री माता जगत धात्री अम्बे भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजय आनंद राशि माय अजय आनंद राशि अभिकारी अघहर
जयति जय गायत्री माता जय गंगा गीता शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता जयतु सामा सर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे मा प्रणव महामहिमे जयति जय गायत्री माता सदा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माराधा रुद्राणी सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता दारिद के घेरे जयति जय गायत्री माता हसनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव देश हरिये दुर्भाव देश हरिये निष पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि दाता माँ तुष्टि पुष्टि दाता जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आर्तिक्यं समर्पयामि चारों ओर दीपक जल रहे हैं आप लोग अपने दोनों हाथ ऐसे करें और जिन्होंने आरती की है वो यजमान जरा आगे आ जाए यहाँ जो सरतो भद्रमंडल की मुख्य वेदी बनी है यहाँ और आप थाली को उस ओर इस प्रकार से ऊंची करें अपने हाथों में आप सभी भाई बहन दोनों हाथ उठाकर और आरती के तेज को सिरोधारी करें ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्